समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बड़े और कद्दावर नेता आजम खान अपने पूरे परिवार के साथ जेल में रहे। अभी पिछले दिनों उनके बेटे अब्दुल्ला की रिहाई हुई है, जमानत पर वो बाहर आए हैं और जमानत पर बाहर आने के बाद उनके राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, कदमों के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने मीडिया के साथ बात किया अब्दुल्ला ने, और इसी के साथ साथ मीडिया के इंटरेक्शन के साथ साथ वो दिखाई दिया अखिलेश यादव के साथ लोगों के लिए। आज 18 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्हें लगातार, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि रामपुर से जो है आजम खान साहब चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे स्वार टांडा से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से सूत्रों की खबर के अनुसार आजम खान चुनाव लड़ेंगे और उनके बेटे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से।